रानी की जय हो। बैठिए युवराज। ये देखिए दादी, भारत में किसी ने एक आरटीआई लगाई है। कैसी आरटीआई राजकुमार? आरटीआई में लिखा हुआ है कि भारत कब और किससे आजाद हुआ। 14 अगस्त और 16 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था? 25 जनवरी और 27 जनवरी 1950 को भारत का शासक कौन था? ब्रिटेन का शासन किस तारीख को भारत से खत्म हुआ? और क्या ब्रिटिश और उनकी आने वाली पीढ़ी का भारत पर किसी भी तरह का अधिकार है? लेकिन भारत सरकार ने इस आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। और आरटीआई लगाने वालों का दावा है कि आज भी भारत पर आपकी ही हुकूमत चलती है। क्या ये सच है दादी? हमारे पूर्वजों का सपना था कि दुनिया पर उनके वंशजों की हुकूमत बरकरार रहे। मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ और आने वाले समय में इस महान सिंहासन को तुम्हें ही संभालना है, इसीलिए ये राज की बात बताना तुम्हें अब जरूरी हो गया है। बेटा, सच तो ये है कि आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के आधे से ज्यादा देश हमारे गुलाम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दादी? भारत और पाकिस्तान को तो हमने 1947 में ही आजाद कर दिया था। बेटा, इसी भ्रम में रखकर ही हमने भारत के लोगों को आज तक गुलाम बना रखा है। उनको ये आजादी देने का नाटक करना उस समय हमारी मजबूरी बन गई थी जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बना ली थी। इसी कारण से 1946 में भारत में हमारी रॉयल नेवी में भी विद्रोह हो गया था और जनता में 1857 की तरह विद्रोह होने वाला था। तब हमने गुप्त रूप से शासन करना ही ठीक समझा। गुप्त रूप से शासन का मतलब? भारत को हमने 99 साल की लीज पर वहाँ के अपने ही चमचों को सत्ता संभालने के लिए दिया था ताकि भारत के लोगों को लगे कि देश आजाद हो गया। लेकिन सही मायने में आधिकारिक रूप से आज भी भारत पर हमारा ही कब्जा है और हमारे ही बनाए हुए कानून चल रहे हैं, जिससे आज भी हम भारत को खुलेआम लूट कर गरीब और लाचार बना रहे हैं। दादी, ये सुनकर खुशी तो बहुत हो रही है, पर यकीन नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये बताओ कि क्या मुझे कभी भारत जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ी, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इंग्लैंड में आने के लिए वीजा लेना पड़ता है? क्या तुम्हें पता है, जब मैं 1952 में रानी बनी तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की भी रानी घोषित हुई थी। क्या तुमने नेहरू और सी राजगोपालाचारी के द्वारा ली गई शपथ पढ़ी होती तो यकीन आ ही जाता। कौन सी शपथ? राजगोपालाचारी ने 21 जून 1948 को भारत का गवर्नर जनरल बनने पर शपथ ली थी कि मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गंभीरता के साथ इस बात को पक्का करता हूँ कि मैं हिज मजेस्टी किंग जॉर्ज सिक्स और उनके उत्तराधिकारी के प्रति विधि के अनुसार वफादार निष्ठावान रहूंगा और उनके प्रति पूर्ण भक्ति रखूंगा। और मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस बात को गंभीरता के साथ पक्का करता हूँ कि मैं गवर्नर जनरल के पद पर हिज मजेस्टी किंग जॉर्ज सिक्स एवं उनके उत्तराधिकारियों के ठीक प्रकार से सत्यता के साथ सेवा करूंगा। देखा, अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था तो सी राजगोपालाचारी ने 21 जून 1948 को मेरे पिताजी के नाम की शपथ आखिर क्यों ली? चलो दादी, मान लिया कि 15 अगस्त 1947 को दी गई आजादी झूठी थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 में तो भारत के लोगों ने ना खुद का संविधान बनाकर अपने देश को गणतंत्र घोषित कर लिया था। उसके बाद तो उनको आजाद मानना ही पड़ेगा। बेटा, तुम बहुत भोले हो, गणतंत्र शब्द का मतलब भी नहीं समझते। गणतंत्र का मतलब मालिक बनना नहीं होता। वहाँ का संविधान हमारा बनाया हुआ एक कानून ही तो है जिसका पालन वहाँ के हर एक आदमी को करना ही पड़ेगा। इसको समझने के लिए ये देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें सेक्शन 6 क्लॉज 3 को पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में कोई भी कानून बनाने का, रोकने का और हटाने का अंतिम निर्णय वहाँ का गवर्नर जनरल ब्रिटेन के राजा की अनुमति से ही कर सकता है। वहाँ का संविधान भी
एक कानून ही तो है जिसको हमारी अनुमति से गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी थी। इस समझौते के तहत हम जब चाहे 99 साल की लीज और संविधान को रद्द करके भारत में दोबारा से सीधे सीधे शासन कर सकते हैं। इसी बात को भारत सरकार ने भी एक सरकारी दस्तावेज में स्वीकार किया है। कौन सा दस्तावेज? 1953 में रामनारायण द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से लिखकर भेजा कि ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट के अंतर्गत भारत का हर व्यक्ति ब्रिटिश कानूनों के अधीन है और यह स्थिति भारत के गणतंत्र होने के बाद भी नहीं बदली है। यानी भारत के लोगों को हम आज भी अपने कानूनों के तहत सजा सुना सकते हैं, चाहे वे भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो क्या दादी, वहाँ का प्रधानमंत्री लोगों का नहीं बल्कि आपका सेवक है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जिस जगह मेरे दादा जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ था, उसी जगह मेरे कहने पर मनमोहन सिंह की सरकार ने कोरोनेशन पार्क बनवाना शुरू किया, जिसमें हमारे दादा परदादा की मूर्तियाँ और हमारा एक विजय स्तंभ लगा है। और अब मोदी सरकार ने उससे भी ज्यादा हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर उस पार्क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवा दिया। इस तरह भारत के राष्ट्रपति भवन के सामने लगे खम्बे पर मेरे सितारे का निशान देख सकते हो, जो कि मेरे मुकुट और छड़ी पर भी है, जिसे मेरी इजाजत बिना भारत में कोई भी हटा नहीं सकता। और अगर भारत के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो मेरे उस सितारे के निशान और कॉर्नेशन पार्क को हटा कर दिखाए। और आरटीआई के जवाब में अगर भारत के राजपत्र पर यह लिख कर दे दे कि भारत के लोग वहाँ के सर्वोच्च शासक हैं और ब्रिटेन की रानी का भारत पर कोई अधिकार नहीं, तो मैं अपना सिंहासन उस आदमी के लिए खाली कर दूंगी। दादी, वहाँ के लोग इस पार्क और इस नकली आजादी का कोई विरोध नहीं करते? विरोध तो दूर की बात, भारत के गुलाम लोग तो रोजाना जनगण मन गाकर हमारा ही गुणगान करते हैं। दादी, बाकी तो समझ गया, पर उनका राष्ट्रगान हमारा गुणगान कैसे, बताओ ना दादी। जनगण मन के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जी दादी, लॉन्ग लिव ब्रिटिश, लॉन्ग लिव क्वीन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित है और मैं मुरादाबाद के एक छोटे से गांव से हूं। मैं एक साधारण किसान परिवार से हूं। ये वीडियो अभी आप लोगों ने देखा, हो सकता है कि इस वीडियो की सारी बातें आप लोगों को सच ना लगे, लेकिन साथियों वास्तविकता यही है कि इस वीडियो की एक एक बात सच है। और जिन लाखों लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनका सपना आज भी अधूरा का अधूरा है। आज भी ब्रिटेन की रानी का शासन भारत पर होना उन सारे शहीदों का अपमान है। मैं नहीं जानता कि इस देश से ब्रिटेन के शासन का अंत कैसे होगा, लेकिन इसके लिए मैं हर संभव योगदान करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि शायद इसी को देशभक्ति कहते हैं। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। जो देश के सम्मान के लिए थोड़ा सा भी योगदान ना कर पाए वो देशभक्त कहलाने के लायक नहीं होता। साथियों, ये वीडियो तो मात्र एक शुरुआत है, आने वाले वीडियो में हम इससे भी गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे। मैं ये जानता हूँ कि देश का मीडिया इन चीजों को आप लोगों तक नहीं पहुँचाएगा, इसलिए केवल अब देश प्रेमियों से ही उम्मीद बची है। अगर आप भी देशभक्त हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल दें, जिससे आने वाले समय की वीडियो की जानकारी हम आपको पहुंचा सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच पहुंच सके। मुझे विश्वास है कि जिस दिन भारत के सारे देशभक्त लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन ना सिर्फ भारत से ब्रिटिश शासन का अंत होगा, बल्कि इंग्लैंड की रानी भारत के लोगों के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगेगी। साथियों, जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा, उस दिन भारत से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आतंकवाद जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु और समृद्ध भारत बन के खड़ा होगा। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।